ब्राजील की नई सरकार बायोडीजल योजना B14 को जनवरी में लागू करने के लिए तैयार है और वहीं B15 को अप्रैल में लागू करने के लिए तैयार हो चुकी है। कम उपलब्धता और आने वाले 2-3 महीनों में सोयाबीन के उच्च निर्यात अनुमान से पहली तिमाही में ही B14 को लागू करने के लिए एक चिंता देखने को मिल रही है। दरअसल वर्तमान में ब्राजील मार्च 2021 से B10 योजना के साथ कार्य कर रहा है। आने वाले समय में तेल के लिए ये अच्छा बताया जा रहा है। देश भर में सोयाबीन की आवक फिलहाल 8,30,000 बोरी की रही है। इसमें मध्य प्रदेश में आवक 3,50,000 बोरी दर्ज की गई है। अभी फिलहाल मंडियों में सोयाबीन के दाम 5,500 से 5,800 रुपए देखने को मिल रहे हैं, जबकि प्लांट खरीदी भाव 5,750 से लेकर 5,900 रुपए प्रति क्विंटल तक देखने को मिला है। वहीं इंदौर की छावनी मंडी में सोयाबीन 5,400 से 5,800 तो एवरेज 5,000 से 5,350 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकती दिखाई दी है। और बाजार जानकारों का कहना है कि सोयाबीन के दामों में आगे मंदी नहीं है। दरअसल कम दामों पर किसान भी माल बेचने को राजी नहीं है और अब फिलहाल स्टॉकिस्ट भी सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बाजार जानकार मानकर चल रहे हैं कि आगे चलकर सोयाबीन की कीमतों में तेजी बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।